नहीं सच में मेरा हाथ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया। नहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आए थे, हाथ पे कर ले गए सोशल डिस्टेंस से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के बज रहे हैं 6, आज सुबह से काम कर करके ना हालत बैंड हो गई है, तो मैं भी जा रही हूँ अपना ब्लाउज पता करने और मेहंदी कौन लेने। और देखिए शाम हो गई, मेरे को मेहंदी नहीं लगी है और मेरे हाथ में देखिए आपको ये स्पॉटिंग भी दिख रही होगी, ये ब्लैक ब्लैक जो है ना, मेरी पूरी स्किन डैमेज हो चुकी है। ठीक है ये देखिए, तो पूरी ड्राई हो रही है, सब हो रही है, फेस बचा है, बस फेस को छोड़ के सब वो पड़ा है। तो बस वहीं ब्लाउज़ के लिए जा रही थी मैं और मेहंदी के कोन लाने थे, तो कोई भी काम नहीं हुआ है पता है, मेहंदी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम, और मेरा ब्लाउज़ मिल जाए बस। अगर आज ब्लाउज़ नहीं मिला ना तो मेरे हाथों बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, हाँ कत्ले आम हो जाएगा मेरा हाथों। सच में पता है मेरे को रेड पहनना था, मतलब रेड पहनना था, करवा चौथ के एक दिन पहले ही मैंने रेड पहन लिया, और अगर मेरे को रेड नहीं मिला तो मैं उसकी उसकी पूरी दुकान छान मार के एक ब्लाउज तो उठा के लाऊंगी उसका रेड, पर रेड लाऊंगी ज़रूर। तो देखते जो भी होता है, अदरवाइज फिर मैं कैसे नहीं आएगा यार, कहाँ उसे ट्यूसडे वेडनेसडे बोला था, ठीक है ट्यूसडे वेडनेसडे कब का निकल गया, अगला वेडनेसडे आ गया, अगला ट्यूसडे आ गया। तो बस अभी वही सब देख रहे हैं, अभी राजा जो है वो तैयार हो रहे हैं, ये महान इंसान सो रहे थे, आए हैं और ये सो गए हैं, तो ये सो ही रहे थे। ये फैक्ट्स हैं ठीक है, पूरे एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू करते हो ठीक है, उसके बाद जिस दिन दिवाली होती है उस दिन पता नहीं कहाँ चला जाता, कोई पता ही नहीं चलता, काम करते करते इतना काम होता है दिवाली पे, नॉर्मल डेज पे इतना काम नहीं होता, जैसे दिवाली पे त्यौहार फटाखे फोड़ो हो गया, त्यौहार के टाइम पे इंजॉय करना चाहिए, पर फिर काम पे काम ही लगे रहते हैं। हाँ तो हम लोग आ गए, मैंने फेशियल करा हुआ है, तो ये मैं सोप वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही, तो मेकअप नहीं करके गई थी मैं आज। फाइनली जाके आज मेरी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो गई है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ अपनी। तो ये है मेरी पूरी तैयारी करवा चौथ की ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लैशेस वगैरह रखी हुई है, जो कि मेकअप का सामान बहुत सारा मेरे पास इसी टेबल पर रखा है। तो यह है मेरी चूड़ियाँ, एक लाई हुई, मुझे पता नहीं इसे लगाना कैसे, शायद मैं इसे ऐसे या कैसे पता नहीं कैसे भी लगाऊंगी, जैसा भी हेयर स्टाइल रहेगा उसके हिसाब से। इयरिंग जो थी वो मैंने आपको दिखा दी थी, तो इसके साथ मैं कोई नेक पीस नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि जो मेरा नेक है ब्लाउज आ गया है ठीक है, वो सबसे बड़ी खुशी है। मेरा जो ब्लाउज है ना वो बोट नेक में है, तो कोई मतलब नहीं है, वैसे भी कोई ज्वेलरी दिखने नहीं वाली है। तो मैंने ना ये फट गया क्या, अंडर आई क्रीम लगानी पड़ेगी, हाँ तो मेरा वैसे ही ब्लाउज बोट नेक पे तो कुछ दिखने नहीं वाला है, इसलिए मैं नेक पीस कुछ नहीं पहनने वाली। उसके बाद ये बिंदी है, ये पायल ठीक है, ये मेरी लाल लाल चूड़ियाँ, ये है करवा, तो ये करवा चौथ के लिए स्पेशली हर साल अलग अलग कलर के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये राजा ही पसंद करते हैं, इस बार ये भी राजा ने ही पसंद किया है, तो बहुत ही प्यारा सा करवा है देखिए ठीक है। और एक दिया मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, ये वाला, ये जलाने के लिए अच्छा लगेगा थाली पे। और ये मेहंदी ये कोन मैंने मंगवाए थे, आपको पता है मैं राजा से कुछ ही मंगवाती हूँ ना, तो ये कोन नहीं लाते हैं, ये कोन की दुकान लेके आते हैं। उसके बाद ये बिंदी, ये मेरा ब्लाउज फाइनली बन के आ गया है। फिर मैं ये बिछिया लेके आई थी, जो कि ना मैं दिखा नहीं पाई थी आपको कल, क्योंकि ये बिछिया कार के अंदर रह गई थी, अगर ये खुल जाए तो मैं गोल में लेके आई हूँ इस बार। तो ये देखिए, ये है चांदी की, वेट, ये है चांदी की, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, तो ये वाली लेके आई हूँ मैं दो, तो ये मुझे 444 समथिंग या 442 की पड़ी है दो, तो ये पिछे भी लेके आ गई हूँ। तो ये देखिए, तो राजा भी थोड़ा से काम से गए हैं, मेरा जो कैमरा है, तो आप लोग को समझ में आई है नहीं आई है, कुछ लोगों को समझ में आई है कि ना
दो तीन दिन के जो ब्लॉग आप देख रहे होंगे उसमें थोड़ा सा साउंड इशू है, मैं बता रही हूँ तो आपको अब समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी इशू है, कैमरा सेम है बट ये कैमरा खराब हो गया था जो मैंने इंदौर में सुधरवाया था, मतलब सेंटर में देके आए थे, फिर ये डेढ़ दो महीने में वापस आया था। इस बीच में नया कैमरा ले लिया था जो कि मैं यूज कर रही थी। तो क्या हुआ, उस कैमरे के जो फ्लिप स्क्रीन है, जो ये स्क्रीन मैं देख रही हूँ अपने आप को, जिसमें वो जो स्क्रीन है ना, वो उसका पेच निकल गया था, एक निकल के गिर गया, तो ना जो रील है ना उसकी, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अब समझ में नहीं आएगा, और एक लूज हो रहा था, तो कैमरा बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हो रहा था। तो वो फिक्स कराने गए हैं ताकि कल का जो ब्लॉग है वो अच्छे से शूट हो जाए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ और चेंज करके फिर हम लोग लगाते हैं मेहंदी, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सीरियसली मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो राजा आ गए हैं ये ठीक करा के, ये सामान बिल्कुल ही माइंड मत करिएगा, ये मुझे ना वहाँ रखना है, बेड खोल के रखना है, और ये कर्टन्स वगैरह यहाँ के हटा दिए हैं मैंने, क्योंकि पता है बहुत शो खराब हो गई थी मेरे रूम की पूरी, तो कर्टन्स हटवा दिए हैं। ये कैमरा जो है ये ठीक होके आ गया है, और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी अप्लाई करने। तो मैं आपको ना बीच बीच में से मेहंदी दिखा दूंगी, पर साथ में मैं ये भी खा रही हूँ। तो ये ना जिंजर के आलू के चिप्स हैं, ये हॉट चिप्स हैं यहाँ पे उसके पास मिलती है, पता है इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी होता है, मेरा फेवरेट है। इसमें करी पत्ते की फ्रेग्रेंस आती है, करी पत्ते से मुझे बहुत प्यार है, इसे वो खाते खाते करूँगी। मैं डिनर नहीं करूँगी आज, एक्चुअली मैं क्या है, मैंने ना दिन का खाया हुआ है पर मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। तो हमेशा करवा चौथ वाले दिन ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं रात में खाना नहीं खाती, फिर सुबह सर्गी खा के फिर व्रत होता है मेरा। पिछली बार भी हुआ था और इस बार मुझे पता है ऐसा ही होने वाला है। बड़ी ठंड है भैया, नवंबर आ गया है, ठंड चालू हो गए थे। तो देखिए एक हाथ से मेहंदी लगा दी गई है, मैंने लगाई है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये मेहंदी है, ये विदाउट एनी डिजाइन मैंने बैठे बैठे टीवी देखते हुए, कहां सीरीज चल रही है हम लोग की, एक सीरीज देख रहे हैं उसको देख, मैंने इसके लिए डिजाइन निकाला था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे लगानी शुरू हुई तो फिर मेरे को ना डिजाइन देखते देखते मतलब बहुत आलस आता है, तो मेरे को लगा यार लगाते जाओ, और ऑटोमेटिकली लगाते लगाते आपको डिजाइन शायद मिलेगा भी नहीं, मेरा बनाया हुआ डिजाइन है। यहाँ से देखिए तो कुछ भी मैंने जो भी मन हुआ वो कर लिया, क्योंकि मैं मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी लगा रही है, एक नंबर। चलो लगाओ, चलो ये वाला हाथ कौन सा, देखो खुला हुआ है, ये ब्लैक है, हाँ ठीक है, और ये दो खुले हुए हैं, ये भी खुला है, सॉरी हाँ ये तीनों, तो कैसे खुले दिखाओ। तो ये वाला हाथ ज्यादा लगाते हैं क्योंकि इस हाथ में लगा नहीं पाऊंगी, तो पहले चांद लगा दो, यहाँ चांद बना दो, गोल अच्छे से बनाना। हाँ ये अब देखिए, एक हाथ की पता पति से लगवानी चाहिए मेहंदी। एक बार मेरे को बताओ कैसे निकाली जाती मेहंदी, कैसे लगाई जाती हाथ से? हाँ थोड़ा सा कैसे पेन टाइप चलाया जाता है, ये पेन, हाँ ऐसे चलाई जाती है ना, दिखाओ पेन टाइप ना, ऊपर से तो नहीं, क्या कर दिया देखिए, पहले चुप गया, अरे इसको अलग करो हाथ को, ऐसे पहले छाप दोगे क्या, ये क्या है, ये डिजाइन लगा रहा हूँ ना, ये क्या था डिजाइन है, क्या इंस्पायर, किस चीज से इंस्पायर्ड है, ऐसा लग रहा करंट करंट नहीं, ये देखिए ठीक है, ऐसा लग, सच में बताइए ऐसा लग रहा है जैसे ईसीजी की रिपोर्ट, अरे याद करने तो दो मेरे को कुछ यार, अब जब बन जाएगा फिनिश हो जाएगा तब बोलना। ये धो सकती हो, हटा सकती हो, मैं नहीं बना जाऊंगा, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं फिर मैं अच्छे से इसको देख के बना, उठाओ चलो मुझे धक्का के मारे उठाने के लिए बोला था, ये बड़े बेकार, ए अभी इसे वॉश करके आने खराब, नहीं नहीं अब अच्छी बनाऊंगा, ऐसा लग रहा है देखिए मैप लग रहा है ना, ये मैप भी नहीं पता चल रहा कि वो डरावने पेड़ होते हैं ना, कहीं कहीं से शाखाएं निकलती है उनकी, बड़े बेकार है तुम, नहीं अब अच्छी बनाऊंगा, सही में अच्छी बनाऊंगा, मत परेशान हो, साफ तो जाएगी ना वो देख के, अगर तुम मेहंदी वाले होते ना और आप तुम करवा चौथ की मेहंदी लगा रहे होते, कुट कुट के लाल होते कुट कुट के लाल होते आज, सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया। Yeah.
ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आए थे, हाथ पे करके गए सोशल डिस्टेंस से। सोशल डिस्टेंस डिजाइन है तब डिजाइन था। पीछे से मैं करूँ यहाँ? नहीं, तुम तो नहीं करवानी है, मैं खुद ही लगा लूंगी पीछे। इतना पता मैं अपने उल्टे हाथ से भी लगा दी तो इससे अच्छी मेहंदी लगाती। क्या करंट आएगा तुम्हारी मेहंदी में? लटकी मेहंदी। ये पता है कुछ हटके है यार। हटके नहीं, इसे देख के मुझे फिजिक्स का कोई डायग्राम याद आ रहा है। वो जो बोला था ना, ये यार कैसा लग रहा है? वो जो करंट पास हो रहा है, ये कैसा लग रहा है? मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ, अब जगह ही नहीं बची, हाथ में जगह ही नहीं बची। इतनी गंदी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी कुछ नहीं से कुछ सही नहीं, मैं इससे अच्छी लगा लेती। और साफ करके लगा के दिखाओ। हाँ, अब क्या छप चुका है, अलग अलग पेड़ दिखेंगे, अभी तो ये पेड़ भी दिखेंगे जब डस जाएगी वो। ऐसा दिखेगा कि वो जहाँ जाल बैठ गए, मकड़ी का जाल। हाँ, मकड़ी का जाल। हाँ, ये मकड़ी का जाल है, मकड़ी का जाल। ओ, खुद के हाथ में मयंक लिख रहे थे एकदम स्ट्रेट लाइन। बेटा तुम बहुत गंदे हो, पता है इनके हाथ में स्ट्रेट लाइन आई है, मेरे हाथ में एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मेहंदी लग चुकी है और छप चुकी है हर जगह, मेरी सबसे एंटीक मेहंदी अड्डे में सब जगह छपा दी गई है मेरी मेहंदी। देखिए दाग अच्छे हैं, ये देखिए मेरी मेहंदी देखिए, बस एकदम राजा अलग दिखेगा आपको। ऐसा लग रहा है जैसे राजा को करंट लग गया, ठीक है ये देखिए करंट लग गया, ठीक है। और ये देखिए, हाँ, देखिए कितने अच्छी डिजाइन लग रहा है ना, कितना अच्छा ये डिजाइन ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी मेहंदी में ना ये तो ये लग रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। एक्सप्लेनिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। यहाँ से करंट पास हो रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। फिजिक्स का एक डायग्राम बन गया, ठीक है। फिजिक्स पसंद थी ना, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब, ये एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रहा है ये, ठीक है। और ये धुएं के गोले हैं जो आपको दिख रहा है, ये मोटा धुआं है और इसके आसपास। ओह, व्हाट अ इंस्पायरिंग मेहंदी, सब कॉपी करना, ठीक है। लाइन लग जाएगी अगले साल से, ये बॉम्ब गिर गया न्यूक्लियर, अगले साल से लाइन लग जाएगी। सिर्फ थीम देखो उसकी, मतलब। और ये देखिए आप एकदम गौर से, साइंटिस्ट लोग ही ऐसा कुछ सोच के बना सकते हैं। अब आप एकदम गौर से देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कान वाला जानवर दिख रहा है, जैसे मुंडी बची है तो वो उड़ गया। और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग है ना, वो ही इतना ज्यादा सोच समझ के बना सकते हैं। और ये है, आप लोग बताइए इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है, ऊपर वाली बोली का कि ऊपर वाली अच्छी। ये है मेरी मेहंदी, ये मैंने लगाई है, ये मिस्टर ये मेरी है, ये शानी की है। इन योर ड्रीम्स, जोन सी आपको अच्छी लगे समझ लो मेरी है। हाँ, ठीक है। तो मैं एक कांड कराती हूँ अपने हाथ में, अब क्या करे, राजा लगाते बहुत प्यार से, कुछ भी लगाए, ठीक है। और ये मेरी, नाम तो दिखा दो, लिखा है जो मैंने, ये देखिए नाम, राजास रजवाड़ा, रजवाड़ा, ठीक है। अब मैं पैर की दिखाती हूँ, टिंग, पता नहीं कितनी दिखी, टिंग, कल आपको अच्छे से दिख जाएगी। दिक्कत होती है पता है, मेहंदी लगवा लो तो बैठ जाओ, उसके बाद उठने के ही होंगे, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, प्लीज सीधे बैठो, कुछ गलत इंटेंशन लग रही। क्लचर खोलो, क्यों, अरे बैठना है तो चुप रहा है। हाँ, ये है राधा की मेहंदी, ये है शिवानी की मेहंदी, और शिवानी की मेहंदी या राधा की मेहंदी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा किसकी मेहंदी ज्यादा पसंद आई है। पता है बहुत थक गए, फिजिक्स का डायग्राम पसंद आया या केमिस्ट्री पसंद आई शिवानी की? ये केमिस्ट्री नहीं है, ये नेचर है। इस डिजाइन को अगर बनाना है तो मैं आपको बताती हूँ घर में क्या करो। एक इंसान को कोन दो, उसे दो करंट के तार छुआओ, ठीक है, और से बोले मेहंदी लगाओ, तो वो ऐसे ऐसे हिल के लगाएगा तो सेम ही डिजाइन बन जाए। अब मेरे बाल मत खींचो यार, इतने कोमल बाल है मेरे, कोमल बाल, बाल खुजाना। बस यही बचा था, बाल खुजाना बनना समझा यार, प्लीज खुजा दो यार, पता मैं खुजली हो रही। हाँ, यहाँ खुजा दो, यहाँ खुजाओ, यहाँ
यहाँ किया है क्या खुजाने वाला? बंदर बोले आता है, खुजाता रहेगा, जुए खाता रहेगा बैठ के। जू नहीं है ना, बेचारे को कुछ खाने नहीं मिलेगा। छोड़ दो बस, छोड़ो। और कहाँ, यहाँ कुछ और, यहाँ शेड छप। ये चलेगी, सुगी सुगी, ये कुछ और ना, यहाँ देख लीजिए, खुजाने वाला कर दिया ये यहाँ भी। पता है जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे खुजली होने वाली, तो मुझे हर जगह खुजली होती। अच्छा तो मुझे आप नाक छोड़ती है। आयु की बिड़े हाँ दो गई यार। अरे बाहर हटा फेस, यहाँ के बाहर हटा, खुजली हो रही है मुझे। क्या बोला, मेहंदी अभी के अभी धुलवा देंगे। अभी हटा दो यार, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। यहाँ मुँह से मुँह में घुस गया, मुँह में वाले में। अरे यहाँ एक बात है, हो गया तुम्हारा? हाँ अच्छा एक काम कर, ये बात थोड़े पीछे कर दो। ज्यादा हो गया यार। उस वाले हाथ में लिखा हुआ है भैया, जरम जरम से नाम जुड़ा हुआ है। जरम जरम पीछे करो ना। अब क्या करूँ? हाँ अभी आ गया चल। वो यहाँ यहाँ हाँ बस पता है, मेहंदी तो खुजली हुई है। अब लग गई बड़ी खुजली, फिर से लग गई। आप सही है, दो बड़ी ऐसा होता है खुजली वाली लड़कियों का। हाँ अभी मैं बोलूंगी, हाँ मुझे एक महीना हो गया खुजली करते करते, तो हर जगह खुजली होती है। कान के अंदर भी इजगार लगा, इजगार एक कान के अंदर उंगली डाल के खुजा, इजगार लगा, इजगार अंदर अंदर। हाँ छी क्या क्या निकल रहा, कब से नहीं नहाई तू? मेरी बेइज्जती जानबूझ के कर रहे, मुझे पता है कुछ नहीं निकला था, बहुत गंदे चूहे निकले कान से। ये पता नहीं जू टाइप जू जू नहीं, मुझे लगा डैंड्रफ ना हो गया क्योंकि बरसात आई ना। डैंड्रफ नहीं, मैंने कुछ बोला था, मैं इसलिए हंस रही थी। क्यों? बरसात आ रही ना इसलिए, डैंड्रफ फालतू बरसात आ रही है, ठंड आ रही है इसलिए। तो मेहंदी वाला भी हो गया है, तो मेरे मेहंदी वाले काफी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है, और आपके हस्बैंड आपको कैसी ही मेहंदी लगा दें, वो मेहंदी आपके लिए स्पेशल होती है। इससे ज्यादा अच्छी मेहंदी मेरे लिए ये है, पर अच्छा लगता है मुझे लगा के, वरना मैं लगवा लेती, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं जाती और लगवा के आ जाती इस हाथ में, इसमें मैं बाद में लगा लेती, पर मुझे राजा के हाथ की मेहंदी ज्यादा पसंद है। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार, आई थिंक ये शगुन है, आपके हस्बैंड ने आपको राखी बांध दी। आपके हस्बैंड ने आपको राखी नहीं, सॉरी आपके हस्बैंड ने आपको मेहंदी लगा दी। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, में आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा करवा चौथ ब्लॉग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और करवा चौथ ब्लॉग का वेट करिएगा। बाय।